नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। हैशटैग जम्मू वुमनिया पॉडकास्ट के नई सीरीज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस तरह से आपने देखा होगा, पिछली सीरीज में हमने आपको दिखाया जम्मू की जो मुख्तलिफ औरतें हैं उनसे आपसे रूबरू कराया। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुलाकात करेंगे प्रीति चौधरी से। वैसे प्रीति चौधरी के नाम से इन्हें कम ही लोग जानते होंगे, ज़्यादातर इन्हें प्रीति बाइकर के नाम से जानते हैं। 15 से 20 साल की इनकी बाइकिंग जर्नी है, तो चलिए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात, जानते हैं इनसे कि प्रीति बाइकर का नाम तक पहुंचने के लिए इनको कितने हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ा। प्रीति जी, ग्रेटर जम्मू के चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। तो प्रीति चौधरी के नाम से लोग शायद ही आपको जानते होंगे, जहां तक हमने सुना है प्रीति बाइकर के नाम से आपको लोग ज्यादा जानते हैं। 15-20 साल की जर्नी है आपकी, कैसे यह सफर स्टार्ट हुआ, क्या शुरू से ही बाइकिंग में इंटरेस्ट? जहां लोग प्रीति बाइकर, आपने कहा, मुझे एक वाक्य याद आया। प्रीति बाइकर जब भी लोग मेरा नंबर सेव करते हैं तो प्रीति चौधरी नहीं लिखते हैं, या तो सीधे बाइकर लिख देते हैं। मैं किसी को रैंडमली कॉल करती हूँ, कोई जो जान पहचान वाला नहीं हो, और अगर उसको याद कराना हो मैंने कि यार मैं प्रीति चौधरी बोल रही हूँ, तो उसको सीधे बोलना पड़ता है बाइकर, तो वो एक सेकंड में पहचान लेता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो सफ़र है पिछले 15-20 साल से चल रहा है, और भगवान की दया से बड़ा अच्छा रहा है ये सफ़र। जब शुरू की थी बाइकिंग तब नहीं सोचा था इतनी दूर तक जाएंगे, परंतु फिर आहिस्ता आहिस्ता कारवां चलता रहा और आज सफ़र यहाँ पे आके रुका नहीं है, चल रहा है अभी भी, कि लोग बाइकर के नाम से जानते हैं। और बाइक वाली जो जर्नी रही है ये 15-20 साल जो रहे हैं, बड़े अच्छा टाइम है लाइफ का, सबसे ब्लेस्ड मोमेंट जो रहे हैं वो बाइकिंग के दौरान रहे हैं। प्रीति, आप ज़्यादातर, मैंने देखा है आप बुलेट राइड करते हैं, तो बुलेट राइड बड़ी हैवी मशीन्स होती हैं और आप दुबले पतले हो, इतना कैसे उसको हैंडल करते हो? जहाँ तक बाइकिंग की बात है नीतू, मशीन जो होती है वो डिसाइड नहीं करती है कि चलाने वाला लड़का है या लड़की है, ठीक है। एक नॉर्मली लोग अपने इंटरव्यूज़ में या बात करते हैं जब बाइकर, तो बोल देते हैं मशीन नोज नो जेंडर, तो कोई भी चला सकता है। ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां पत्नी है, लड़के भी कमज़ोर होते हैं वो भी बाइक चलाते हैं। लड़कियां नॉर्मली कोई बाइक चलाते हैं, रॉयल इनफील्ड के साथ एक जोड़ा जाता है कि हाँ हैवी मशीन है, थोड़ा चलाने में दिक्कत हो सकती है, हैंडल करने में दिक्कत हो सकती है, मगर जब आप एक बार बाइक के ऊपर बैठ जाते हो, चलानी आपको आ जाती है, तो कॉन्फिडेंस मैटर करता है। आप कितने मतलब कॉन्फिडेंस के साथ उस बाइक को चला रहे हो, आपको मतलब एकदम आज़ादी वाली फील आएगी, और उसका वेट आपको कभी फील नहीं होगा कि बड़ी भारी बाइक है और मेरे हाथों नहीं इसका वजन उठा के रखा है। ऐसा कुछ फील नहीं होता कि बड़ी हैवी सी और मैं बड़ी स्किनी सी हूँ। हाँ, थोड़ा ये खतरा रहता है कि आप, अगर आप कॉन्फिडेंट हो, उसका वेट बैलेंस कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो बाइक को, तो कोई दिक्कत नहीं फील होगी। अगर आप खुद ही डरे हुए तो फिर आप वो फैक्टर सामने आ जाता है कि रॉयल एनफील्ड एक हैवी मशीन है और आप चला रहे हो, आप पतले हो, आपको उसका वजन कहीं सेटल करने में दिक्कत ना हो, बैलेंस कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो तब तक रहता है जब तक आपके अंदर कोई फोबिया, डर है। जब आपको पता है कि मुझे ये मशीन चलानी है और बेधड़क चलानी है और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो फिर कोई फील नहीं होता डर, और ऐसा वेट भी फील नहीं होता उसका। प्रीति, जब आपने बाइकिंग स्टार्ट की होगी तब आई थिंक महज आप 18-19 साल की रही होंगी, तो स्टार्टिंग में बाइक, इतनी बड़ी बाइक को हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल है, तब उस समय कैसा था, कि टफ रहा आपके लिए या तब भी इजी था? घर पे ऐसा तो है नहीं कि सीधे बोला बाइक दे दो चलाने के लिए और मिल गई। जब जर्नी जब शुरू की थी तब, अब स्कूल की बात आई, स्कूल में पढ़ते थे तो घर पे स्कूटर ही होता था, मैं कह रही हूँ, जो भी चीज़ मिली ना घर पे चलाने के लिए, स्कूटर बाइक जो मिली वो चला ली। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मतलब अब थोड़ी अंदर क्रेज जागना शुरू हो जाती है कि बड़ी मशीन मिले, ये मिले, वो मिले। अब एक्सेस तो होती नहीं है हर घर में, तो सुविधा ऐसी नहीं होगी ना कि बाइक मिल जाए आसानी से, भाई की निकाल ली, पापा की निकाल ली, जो मिल गया। तो फिर टाइम टू टाइम क्या हुआ कि जब यूनिवर्सिटी कॉलेज का टाइम आया ना, तब दोस्त लोग होते हैं, तब उनको आप कॉन्फिडेंस में लेके बोल सकते हो अपनी बाइक दे दो। तो मुझे लगता है मैंने घर से कम शुरुआत की होगी, स्कूल कॉलेज जब कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं ना, तो तब एक इन्वायरमेंट ऐसा था, दोस्त ऐसे थे, कम्युनिटी ऐसी थी, ग्रुप ऐसा था कि वहाँ से बाइक मिल जाती थी ईजिली, तो फिर ये चीज़ें बड़ी स्मूथ होगी। बट जब घर पे शुरू किया था तब तो मुझे लगता चोरी करनी पड़ती थी अपनी मर्जी से, कोई आपको चाबी नहीं देगा, और लड़की होकर तो वैसे ही आपको क्या है ये उटपटांग से काम करने है, बाइक चलाना कोई काम में से काम है, क्या निकलेगा इससे, क्या बताना क्या चाहते हो, साबित क्या करना है आपको बाइक चला के ना। तो मुझे लगता तब थोड़ी सी हर्डल थे, फिर जब कॉलेज तक आ गए हम लोग तो तब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तब आपका एक इन्वायरमेंट अलग हो जाता है, आपकी लाइफ अलग होती है, कॉलेज का फेज ही अलग होता है, तो चीज़ें एक्सेसिबल भी हो जाती है, लड़के कॉलेज में मिल जाते हैं, दोस्त वोस्त होते हैं, ग्रुप ऐसा होता है, तो बाइक ईजिली मिलती गई, फिर थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ गया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को बता दिया कि ये तब घर वालों का क्या रिएक्शन था?
घर वालों को पहले कोई ना कोई चुगली लगाता रहता था, हमने देखा या खुद भी उनके साथ कभी जाना तो कोई ना कोई उनको बोलता था, हमने आपकी लड़की को देखा बाइक चलाते हुए या ऐसे करते हुए, तो तब ये डर खतरा रहता था कि नहीं आगे से ये कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे। तो मैं इग्नोर कर देती थी कि हाँ डांट तो खानी पड़ेगी, इतनी सी बात है क्या, मगर वो उसके कंपैरेटिवली जो मज़ा आता था ना, तो दो गालियाँ पड़ेंगी खा लेंगे कोई बात नहीं, डांट चल जाएगी। बट जब यूनिवर्सिटी में चले गए, कॉलेज में मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थी, तो फिर एक लीडर के नाते मेरी इमेज थी कि हाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में यूनिवर्सिटी की प्रेजिडेंट थी मैं, तो उस नाते एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन आ गई। और दूसरा ये था कि कोई ऐसी चुगलियाँ लगा दे कि आपकी लड़की दबंगई कर रही थी बाइक चला के कॉलेज में या स्कूल यूनिवर्सिटी में, तो फिर मुझे लगता है फिर मैंने उस तरीके से मेंड करके चीज़ें उनको बताई तो ठीक है, कोई खास रिएक्शन मतलब इतना फ्रीक्वेंट भी नहीं था, उनको रोज़ ही पता चल रहा है या रोज़ ही हम लोग जा रहे हैं, तो बड़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते थे। बाइकिंग ऐसा नहीं था, तब घर से यूनिवर्सिटी आ गई, यूनिवर्सिटी के अंदर चक्कर लगा लिया, दैट वॉज ऑल। बाइकिंग जो एक्चुअल में बाइकिंग है या ट्रिप्स किए हैं, पूरा एक्सप्लोर किया है, जम्मू आउटर जम्मू हो गया या अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हो गए, जम्मू के बाहर हो गया, इंडिया हो गया, वो एक टाइम के बाद शुरू किया है। तब तक तो सिर्फ ये था कि अंदर चलानी सीख ली, तब तक तो मास्टर हो गए थे, बाइक चलानी पूरी आ गई। स्कूल कॉलेज कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टाइम पर यही किया कि बाइक अच्छे से चलानी आ गई, तब दोस्तों की बदौलत उनकी बाइक्स मिल जाती थी तो रोज निकल पड़ते थे सर। तो घर वालों ने कभी बोला नहीं यही दोस्त है जो तुझे बिगाड़ते हैं? बोलते रहते थे ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि घर वाले रोकते नहीं थे। बाइक चल मतलब थोड़ा नॉर्मल नहीं है ना, आम साधारण नहीं है। हम जम्मू में रहते हैं अभी भी चीज़ें, अब एक टाइम आ गया कि चीज़ें बड़ी ओपन होती जा रही, जम्मू बड़ा एडवांस होता जा रहा हर चीज़ों में, तो आज से 15 साल पीछे चले जाओ तो चीज़ें ऐसी नहीं थी। तो बाइक चलाना क्या साबित क्या करना है मुझे बताओ ना, आप ही कोई ऐसी चीज़ बोल दो, मैं अपने घर में क्या क्या है ये, इससे क्या निकलेगा, नौकरी करो पढ़ाई करो कुछ और चीज़ बताओ, कोई लड़कियों के रिलेटेड कुछ काम बताओ। सबसे पहले वाला सबसे बड़ा प्रेशर जो रहता है वो शादी का रहता है, शादी का भी रहता है। हाँ चलो ठीक है, लकीली आई एम ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली में और मैं सोशल वर्कर के नाम से बड़ा मतलब मेरा डोमेन रहा है कि सामाजिक काम करना है, तो उनको रहता था नेता वाली छवि आपकी, आप क्या करते रहते हो, ये कपड़े भी नेता वाले पहना करो, बात नेता की तरह किया करो। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ना एक चीज़ें जो उभर के सामने आई वो ये था कि लीडरशिप क्वालिटीज़, आए दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आए दिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में कभी पुलिस वाले उठा के लेके जा रहे हैं, कभी मास गैदरिंग को एड्रेस किया जा रहा है, तो एक पर्सनालिटी अलग होगी। बाइक चलाने वाला व्यक्ति जो होगा उसकी इमेज कोई और होगी, यार ये क्या आवारागर्दी कर रहे हैं। तो क्लैश नहीं किए कभी ये दोनों पर्सनालिटीज आपस में? नहीं ये कभी क्लैश नहीं किए, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी इवॉल्व हुई हैं और दोनों के कारण मुझे लगता है एज ए होल एज एन इंडिविजुअल एज एन पर्सनालिटी मैं ग्रो करके सामने आई हूँ। बाइकिंग ने कॉन्फिडेंस डाला, बेबाक तो पहले से ही थी, तो बाइकिंग की वजह से 2-3 फीचर्स जो एडिशनली पॉपअप होके सामने आए निकल के आए वो ये था, कॉन्फिडेंस तो था ही और एक चैलेंज वाला था कि कोई बात नहीं कर लेंगे। वो ही कॉम्प्लीमेंट्री लीडरशिप में भी होता है कि आपको इनिशिएट करना है चीज़ों को, आपको सब लोगों को साथ लेके चलना है। कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स में तो बड़े सारे स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए आपको खुद को मुसीबत में डालना ही है, आपको बोलना है चीज़ों के लिए, आपको रिवॉल्व करना है, रिबेलियस बनना है। तो बाइक कर ली, एक रिबेलियस बेचारा खींच कूच के घर से निकलता है, बाइक लेता है फिर निकलता है कहीं जाने के लिए। अच्छा प्रीति, जहाँ तक हमें सोर्सेज से पता चला है आप एक बार सोलो ट्रिप पे चली गई थी, जहाँ पर आपने अपने आपको बहुत रिग्रेट भी किया था कि मैं आई क्यों, लेकिन फिर आपको था कि मैंने जाना जरूर है, मैं करूँगी जरूर ये सोलो ट्रिप, वो क्या था? 2013-14 में ना आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज, ठीक है, यूनिवर्सिटी तब मैं मास्टर्स में थी और मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था मैंने, और मेरी स्टूडेंट पॉलिटिकल लाइफ को ना यूनिवर्सिटी में परमिशन नहीं थी आगे उसको कंटिन्यू करने की, तो मैं रिसर्च का काम चल रहा था, तो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा था कि नहीं आपको ये नहीं करना है, पॉलिटिक्स से रिज़ाइन करना है, यू हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम योर प्रेजिडेंशियल पोस्ट। तो वो चीज़ें जो होती है ना कहीं आपके अंदर की पर्सनैलिटी है ना, आप किसी काम में खुश रहते हो, कोई एक एक्टिविटी आप करते हो उसी से मैं आप खुश रहते हो, तो उन चीज़ों को सप्रेस करोगे कितना ही आप सप्रेस कर पाओगे, तो वो थोड़ा सा ऐसे दिमाग ख़राब हुआ तो क्या करना, हमारा गोल क्या, मतलब आम जनता की तरह तो नहीं है कि कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, कोई चीज़ें फिक्स्ड अप हैं, तो बड़ी सारी चीज़ें मकडअप हो गई थी। मैं बाइक राइड पर चली गई बिना बताए, बाइक भी अपनी थी, ना सामान था ना हेलमेट कुछ भी नहीं था, तो लास्ट में मतलब मैंने चीज़ें ऐसे अरेंज की, मैंने कहा ना जुगाड़ू तो हम लोग होते हैं, बाइक भी मिल गई, सारे मतलब राइडिंग गियर्स जितने मिल पाए वो ले लिए और मैं चली गई। जहाँ मैं गई वो मुझे पता नहीं था, ऐसे कार्ड पे ही देखा था कि हाँ बाइकरों ने के नाते थोड़ा थोड़ा पता था, वहाँ जाके मुझे मतलब जब मेरे को चीज़ें फेस करनी पड़ी ना, ऐसे मौत सामने सामने दिख रही थी, ऐसा अच्छा लैंडस्लाइड हो रहा है, अच्छा पानी, अच्छा बाइक ख़राब हो गई है, तो तब मैं बहुत हेल्दी थी वैसे, तो मुझे लगा यार इतनी सारी चीज़ें अब कैसे हैंडल करनी है, आउट ऑफ नोवेयर मैं आ गई हूँ, कॉन्टैक्ट में नहीं था मतलब किसी के साथ पीछे ना,
तो वो सारी चीज़ें बड़ी फेस करनी पड़ी एकदम से ना, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बाइकर होना कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। अगर मैं किसी को जाके बताऊं कि मैं ऐसे अनप्लान ट्रिप पे आ गई, और स्पीति की बात है वो, और कैसे फेस करना पड़ेगा मुझे ये सारी चीज़ें, मैंने फेस की ठीक है, और प्रॉपर आईडी की अगर बात करो बड़ा डेडली एरिया हमारा। हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है मेरे, कई बार सारे दोस्तों ने तो फोटोज में, यार मैं ये फोटोज वाला ट्रेंड अभी की जनरेशन में आया है कि हर चीज़ पोस्ट करनी है। मैंने जितनी बाइक पे मैं घूमी हूँ, मैं बहुत जगहों पर गई हूँ, और मैं बड़ी बार बताती हूँ, तो कहने लगते नहीं नहीं यार यहाँ कैसे गई होगी, मैं यार मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मेरे को मतलब जगहें एक्सप्लोर करनी है, फोटो नहीं चाहिए मुझे। और स्पीति वाला तो मुझे लगता है रेयरली मेरे पास एक या दो कोई तब होगी, तब के टाइम की कोई फोटो होगी, बट मैंने कैप्चर नहीं किया। बट वो जो डर था ना मेरे मन में वो तब जाग गया कि अगर आप बाइक चला रहे हो, आप कहीं पर चले गए अनप्लान, पीछे किसी को पता ही नहीं है, क्या चीज़ों को आप फेस करोगे, मतलब फर्स्ट हैंड आप देख रहे हो कहीं से लैंडस्लाइड हो रहा है, पानी आ रहा है, और मतलब कुदरत के जो भी ये होते हैं ना सारे तांडव, उनके आगे इंसान बेबस होता है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी से मरियल सी हूँ, और ये बाइक और ये इतनी सारी चीज़ें एकदम से सामने आ गई हैं, मुझे बता के आना चाहिए था। फिर हाफ वे मैं रिटर्न हो गई थी। तो क्या वो आपका पहला और आखिरी सोलो ट्रिप था? नहीं, सोलो बड़े किए हैं, वो लाइफ का ऐसा सोलो ट्रिप था कि ये बिल्कुल अनप्लान्ड अनप्रेसिडेंटेड कह लो, ऐसे चल गए बस बाइक उठा बस जाना है, जाना मतलब जाना नहीं है वो, ऐसे थोड़ा सुकून की तलाश में निकलना है। सुकून भी नहीं था, खुंदक से निकली थी कि जान खाते रहते हैं सारी चीज़ों में, इतनी इन्वॉल्व हुई हूँ, चलो इसको जवाब दो, घर पे है ये वो, तो एकदम से चली गई थी मैं चीज़ों को पीछे करके। तो वो तो बड़ा ज़्यादा ही महंगा पड़ गया वो, रास्ते में रियलाइज़ हुआ कि मतलब बिना, एक तो राइडिंग गेयर्स नहीं थे, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि राइडिंग गेयर्स कितने इंपॉर्टेंट है, कपड़े नहीं थे, दो एक दो जोड़े कपड़े, एक जोड़ी कपड़े होंगे मुझे लगता है दो जोड़ी। और स्पीति आज की डेट में जब मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल बाइकर एक नाम बताऊँगी ना स्पीति, तो लोग प्लान करते हैं दो दो महीने छः छः महीने साल लग जाता है बाइक वहाँ जाना है, क्या है कौन से गैजेट्स होंगे, गेयर कौन से होंगे, लोग आजकल तो वो सब कुछ शूट करने के एंगल से जाते हैं, व्लॉगिंग करनी है जी, हमारा मेरा तो वो कंसेप्ट नहीं था। बट जो इतनी सारी चीज़ें आप कैरी करते हो साथ में अपनी सेफ्टी के लिए, प्लान होता है कहाँ रुकना है, ऐसा नहीं चल पड़े कि जहाँ मन किया रात होगी तो रुक जाएंगे, तो वो मुझे चीज़ें रियलाइज हुई उस ट्रिप में जाके। उसके बाद जितने भी ट्रिप किए फेस वो सारी चीज़ें दोबारा की होंगी कहीं ना कहीं, बट प्लान थे ना तब, तो चीज़ों को मतलब मेंटली प्रिपेयर थी कि ये हो सकता है और इसका वे आउट कैसे निकालना है। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि दिस वॉज वेरी यू नो, और मुझे ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे बिना सुनाए चल पड़े, ये बाइकर वाले काम नहीं होते हैं। और ये किसी को बताने में भी गलत बात है कि कोई अगर आपको फॉलो कर रहा हुआ, कोई आपको एडमायर करता है, क्या ही सीखेगा आपसे, ऐसा कर लिया। तो कभी ऐसा हुआ, इतनी सारी आपने बाइक राइडिंग्स की है, कभी ऐसा हुआ कि कहीं एक रिग्रेट आया हो कि शायद इस पे हम अगर हमारा जो ग्रुप है बाइकर्स का ग्रुप ना आया होता तो ज़्यादा अच्छा? नहीं, कभी नहीं हुआ। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, मैं जितनी जैसे हर साल हम लोग 26 जुलाई को जाते हैं, लास्ट ईयर हम लोग गए थे तो मेरा टाइम जाने का 2 बजे था जम्मू से निकलने का कश्मीर, और 3-4 बजे के बाद ट्रक की जो कॉन्वाइज होती हैं वो छोड़ देते हैं, मतलब ट्रैफिक वन वे की होती कभी कभार। तो बड़ी बार ऐसा होता है कि मुझे बड़ी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। मैं पिछले 2-3 साल से ना, मुझे लगता है कंजेकटिवली मैं 2 बजे के बाद निकलती हूँ। 26 जुलाई की राइड हमारी एक फिक्स्ड राइड है, कंफर्म राइड है, जाना ही जाना कारगिल विजय दिवस के लिए। और लड़कियाँ होती हैं, लड़के नॉर्मली नहीं पिछले 2-3 सालों से मेरे साथ जा रहे हैं, एक आधा कोई चला गया, तो वो लड़कियाँ फिर मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब सेफली पहुँच जाएँ, कोई दिक्कत ना हो, चीज़ें प्लान्ड सब कुछ मुझे ही एग्जीक्यूट करना है, कहाँ रुकेंगे हम लोग दो, वो सारे बच्चियाँ बहुत ट्रेंड हैं चीज़ों को संभालने में, बाइक में मास्टर हैं वो, बट फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो मतलब चीज़ें प्रॉब्लम बड़ी ज़्यादा आ जाती हैं अनप्लान्ड। अच्छा, कोई बाइक का टायर फ्लैट हो गया, हिमालयन बाइक पिछली बार हमारी थी वो फ्लैट हो गई थी एकदम से, उसको नॉर्मल जगह से वो खोलता नहीं है कोई भी दुकान वाला पंचर लगाने के लिए, और बड़ी सारी चीज़ें, बारिश आ गई, रास्ता बंद हो गया, तो प्लान्ड चीज़ें हो जाती हैं अगर प्रिपेयर करके आप, मतलब प्रिपेयर्ड हूँ मैं तो मैं उनको हैंडल कर लेती हूँ। रिग्रेट कभी भी नहीं हुआ कि यार ये क्यों किया, ये नहीं करते, वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें भी हुई हैं कुछ राइड्स पे, बट ठीक है, रिग्रेट कभी नहीं होता कि यार क्यों नहीं किया, एक्सपीरियंस होता है, हर राइड आपको एक नया एक्सपीरियंस सिखाती है चीज़ों को हैंडल करने का। अगर आप जम्मू की ही बात करें, आफ्टर 2019 चीज़ें चेंज हुई हैं, तो चीज़ें चेंज हुई हैं, तो पहले कश्मीर जाना होता था 100 फैक्टर और कॉन्स्टेंट आपको मतलब दिमाग में रखने पड़ते थे, झंडा लगाया बाइक पे, चीज़ें नॉर्मल नहीं है वहाँ पे, लोग आके रिएक्ट करते हैं, लड़कियाँ हैं, कभी ऐसा हादसा पेश आया हो? बहुत बार,
2017 ऑनवर्ड्स मुझे लगता है एक दो बार तो लोगों ने बॉटल्स में पता नहीं क्या कचरा कुचरा भर के भी फेंका था, हम लोग जा रहे थे करगिल वाली साइड, 17 की बात है ये, 2016 की 17 की बात है, तब BBMC बाइकर ब्रदरहुड की राइड थी, तो मुझे याद है कि तब बॉटल्स में कुछ भर के ना उन्होंने गंदी बॉटल्स का पानी पता नहीं क्या वो हम पे फेंका था। उसके बाद बड़ी बार ऐसा फेस हुआ, लास्ट से लास्ट ईयर भी हम लोग राइड पे गए थे तो लाल चौक के आसपास चक्कर लगा रहे हैं हम लोग अपनी बाइक पे, तब तक तो लाल चौक पे ट्राइकलर बड़े शान से होस्ट हो गया हुआ था, तो बहुत लोग इंटरप्ट करते थे रोक के, कहाँ ऊटपटांग बोल देंगे, स्टिल मतलब ये एक दो साल पुरानी बात है तो ठीक है इग्नोर कर लेते हैं, चीज़ें हैंडल करनी आ जाती हैं। और अब आज के टाइम पे चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं, कश्मीर इज़ वेरी सेफ नाउ, तो और आर्मी जहाँ पे होती है वहाँ पे तो आप सिक्योरिटी ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फेस करके चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आप गेन कर लेते हो। आपने कहा 2019 के बाद जो है कश्मीर में आपको बाइकिंग करने के लिए बड़ा सेफ रहा है, अगर 2019 से पहले की बात की जाए तो कई बार ऐसे जो आपने इंसिडेंट बताया है कि आप 2017 में हुआ था, इससे पहले भी कुछ इस तरह के हादसे पेश आए? बिल्कुल, 19 से पहले क्या था कि देखो करगिल जब हम लोग जाते हैं तो जब आप जम्मू से निकल रहे हो तो कश्मीर आप हॉल्ट लेते हो नॉर्मली, फिर कश्मीर से नेक्स्ट डे आप चले जाते हो सोनमर्ग, तो डे टाइम पे आर्मी रहती है, आरोपी लगी होती हैं, 5 बजे के बाद आरोपी हट जाती है, टाइम हमारा होता है अमरनाथ यात्रा के साथ मैच करने वाला, सिक्योरिटी थ्रेट रहता है, थ्रेट पहले ही रहता है ओपन। 19 से पहले क्या था कि दंगा है कुछ भी है, पथराव हो रहा है, रोक दिए जाते थे, यात्रा भी रोकी जाती थी, चीज़ें बड़ी ज़्यादा मतलब केयरफुली हैंडल करती थी 2019 में जैसे यात्रा रोकी, हाँ यात्रा रोक दी गई, चलो कोविड का भी एक इशू था, 19 में तो कोई और मसला था, फिर उससे पहले भी ये यात्रा के साथ चीज़ें मैच करती थी, तो आरोपी भी लगी हुई है, तो बड़ी बार ऐसा होता था कि ये रोक दिया आपको नहीं जाने देंगे, जबकि कश्मीर बड़े लोग बाइकर जाते हैं, कश्मीर से आगे ले तो दुनिया जाती है, मतलब एक सीज़न होता है तो बाइकर्स आ रहे हैं केरला से, कर्नाटका से, कोलकाता से, कहाँ कहाँ से नहीं आते बाइकर, बट यात्रा रोक दी जाती है, बाइकर्स को भी समटाइम पैसेज नहीं दिया जाता, जबकि बाइक जो है आसानी से निकल जाएगी, लैंडस्लाइड का इतना खतरा बाइक्स के लिए नहीं होता, जाम लगा होगा ट्रैफिक होगी तब भी बाइक्स निकल जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी थोड़ी रिलक्टेंट होती थी कि ऐसा नहीं है कि बड़ा स्मूथ चीज़ों को अलाउ कर दिया जाता था, बट लोगों का रिएक्शन, लोग रिएक्ट करते हैं ट्राइकलर को देख के, तब करते थे, तब वो करते थे 2019 से पहले, हाँ करते थे, या फिर मे भी हो सकता है हम उन लोगों के साथ हमारा कांटेक्ट उन्हीं लोगों से हुआ है ड्यूरिंग आर राइड्स, जो रहते कश्मीर में गुन कहीं और के गाते हैं, जो थोड़ी सेपरेटिस्ट माइंडसेट वाले लोग हैं, तो लोग इरिटेट करते थे, बीइंग ए फीमेल आई एम टेलिंग यू कि मेरे साथ अगर 19 के बाद सिर्फ लड़कियां ही जा रही हैं और मैं अकेले जा रही हूं, तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ गया, ये इसीलिए आया कि चीज़ें अब कंट्रोल में हैं, देखा जाएगा कुछ भी होगा, अगर कोई थोड़ी बहुत चीज़ होती है तो हम हैंडल कर लेंगे। 19 से पहले मैं दो तीन बार गई हूँ, लड़कों के साथ ही गई हूँ, तब मैं अकेली लड़की थी, तो उल्टा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि लड़की हमारे साथ जा रही है तो इसको कोई दिक्कत नहीं हो, तो बट उनको भी थोड़ा पता था कि ये मेंटली बड़ी टफ है, फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग है, तो चीज़ें हैंडल कर लेगी, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हुई भी, तो ये सारी चीज़ें हमने फेस की, लोग रोक के आपको इरिटेट कर रहे हैं, आपको ट्राइकलर उतारने के लिए बोला जाता था बाइक से ऊपर से कि ये उतार लो, शाम के बाद आपको एक पर्टिकुलर एरिया क्रॉस करना है, अगर गांधरबल के आगे से, इनफैक्ट मुझे लगता है गांधरबल के आगे से कंगन तक का एरिया जो है रोक दिया जाता था कि नहीं जाना, बीच में एक थोड़े आइसोलेटेड स्ट्रेच भी आते थे जहाँ पे नहीं है ज़्यादा आबादी, तो यू नेवर नो कहाँ से कोई आपको टारगेट कर दे, तो और वैसे भी आपको यात्रा के साथ जोड़ दिया जाता था कि भैया टारगेट यात्रा पर भी तो रहता ही था थ्रेट, तो बड़ी सारी चीज़ें थी जो आफ्टर एब्रोगेशन चेंज हो गई। अब पिछले 2-3 सालों से मैं अकेली जाती हूँ, अकेली इन द सेंस की लड़कियों के साथ, लड़कियों को लेके जाती हूँ मैं, बाइकर ब्रदरहुड तो रहता ही है एज ए टीम मेरे साथ, बट फिर भी एज शक्ति उद्घोष हम लोग अकेले हर साल राइड करने जाते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आई हैं और अब हमें थोड़ा सेफ फील होता है कि हाँ दिक्कत नहीं है। प्रीति, अगर सोसाइटी की बात की जाए तो टैबूइज्म आज भी सोसाइटी में बना हुआ है हैवी मशीन्स को लेकर, खासकर अगर महिलाएं उसको चलाएं, तो उसको कैसे फेस किया, क्योंकि ये टैबूइज्म मुझे लगता है तब तक रहेगा जब तक लड़कियां जो हैं आगे की ओर बढ़ती जाए। एक तो जम्मू कश्मीर जो है नीतू इतना ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, यहाँ कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स नहीं है, बाइक चला मैंने अगर चलाई है तो मैं अपनी खुशी के लिए चला रही हूँ, पहाड़ों में चले गई थोड़ा अच्छा लगता है मतलब नेचर के साथ कनेक्ट करके, अगर लंबे ट्रिप्स की आप करगिल की बात करो, लेह की बात करो, या कश्मीर की बात करो, हिमाचल की बात करो, तो आई फील गुड, तो ठीक है बाइक लेके हम लोग चले गए। एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाते जो अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ना, एक तो वो है नहीं है, तो आप क्यों चला रहे हो बाइक,
क्यों चला रहे हो, क्यों आपके घर वाले आपको कोई बाइक लेके दे देंगे? सिखाने वाले इंस्टीट्यूशन जम्मू में नहीं है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया कि लड़कियां जो बहुत सीखना चाहती हैं तो प्रॉपर मतलब अगर आप गाइडेंस के साथ नहीं, गाइडेंस होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। दिल्ली में या जम्मू से बाहर निकलो तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इंस्टीट्यूशन हैं, 10 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट देते हैं कि आपको रिस्पॉन्सिबल बाइकिंग करनी आती, बाइक चलानी आती है। बाइक गिर जाए तो उठाने के लिए 4 लोगों का वेट नहीं करना पड़ेगा। बाइक चलानी है, बाइक में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया, कुछ ग्लिच आ गया, ठीक करना आपको आना चाहिए। छोटा मोटा तो आपको पता ही होना चाहिए अपनी मशीन के बारे में। तो टैबू तब तक रहेगा जब तक यहाँ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर नहीं होंगी। ये अगर बाइकिंग को सिर्फ व्लॉगिंग के साथ जोड़ा जाए, जो आज के टाइम पे बच्चे यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं, व्लॉगिंग कर रहे हो, ब्लॉगिंग कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ बाइकिंग। वो एक आपने एक पैसे कमाने का एक जरिया ढूंढा है कि आप बड़ी सी मशीन ले लोगे और स्टंट्स करोगे उस पर, या उस पे रोज राइड करोगे और कुछ कैप्चर करके डालोगे, वो व्लॉगिंग वाला कंसेप्ट अलग है। बाइकिंग एक अलग डोमेन है, इसको लोगों ने आजकल जोड़ दिया, मोटर व्लॉगिंग, व्लॉगिंग ठीक है, आप व्लॉग्स बना रहे हो जगह पे जाके घूमने के, तो व्लॉग तो आम चीज़ों के भी लोग बनाते ही हैं, इसको इसके साथ जोड़ा जाता है। टैबू तब तक रहेगा, मैंने भी फेस किया है, अब की जो जनरेशन है वो कम फेस कर रही है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो गई हैं जम्मू कश्मीर में, बट ये तब तक रहेगा जब तक जम्मू उस लेवल पे नहीं पहुंच जाता मोटर स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। यहाँ पे एक्टिविटीज़ जैसे अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला कार रेसिंग हुई कश्मीर में, हुई वो भी तो जम्मू में ऐसे कोई इवेंट्स भी नहीं होते ना, कोई ऐसा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी कुछ चीज़ों को ईयर मार्क करके रखा हो कि एक्टिविटी कैलेंडर में ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। साइकिलिंग होती है तो बाइकिंग को भी प्रमोट करने के लिए, या लड़कियाँ अगर बाइकिंग चला रही हैं तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, वो रहनी चाहिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा लोग बच्चे निकल के सामने आएंगे। और एक एक बीच में ना एक पेरिफरी है, एक लाइन है बीच में, बाइकिंग के बीच में मोटर स्पोर्ट्स, रेसिंग, ये सारी चीज़ें अलग है, और ये सारे टर्म्स लड़कों के साथ जोड़ दिए जाते हैं, लड़कियों का ही मेल डोमेन है, मेल डोमेन है, बस उन्हीं की नौकरी है। जैसे फौज में बोला जाता है लड़के ही जाएंगे, लड़कियां कम जाएंगी, अब चीज़ें चेंज हुई हैं। सेम बाइकिंग में भी जम्मू से बाहर निकलो आपको सारे ही ऑप्शंस मिल जाएंगे, लड़कियां मिलेंगी फार्मूला कार रेसिंग चला, फार्मूला कार में पार्टिसिपेट करती हुई, कार रेसिंग में, फिर जो सर्किट्स बनाए गए हैं जैसे दिल्ली में बुद्ध सर्किट है, तो लड़कियां वहां पे करती हैं, राइड्स करती हैं, कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती हैं। जम्मू में ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो लोग जाते नहीं नॉर्मली, और जब तक कोई शुरू नहीं करेगा बाकी लोग इनकरेज नहीं होंगे। और शुरू करने के लिए यू नीड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, और ये जेन के गवर्नमेंट की सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चीज़ों को इनकरेज करे एंड उसको स्पेसिफाई ना करे लड़कों के लिए। चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपने अपना एक ग्रुप बनाया है बाइकर्स का ग्रुप, शक्ति उद्घोष, कितनी लड़कियां उसमें कर रही हैं, और क्या उनके साथ आपको कहीं कोई दिक्कत, या उनकी फैमिली को कभी ऐसी दिक्कत, या उन्होंने कभी आपको कहा हो कि आप इतनी जगह जाती हैं, जैसे आप लेक हर साल जाती हैं 26 जुलाई को, तो उन कभी उनकी तरफ से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स? शक्ति उद्घोष एक सिर्फ कैटेगरी के लिए बाइकिंग के लिए नहीं जोड़ा गया, जो बच्चे मेरे साथ काम करते हैं, जैसे सोशली हम लोग बड़े एक्टिव हैं, सोशल वर्क करते हैं काफ़ी टाइम हो गया, और ऐसा नहीं सिर्फ बाइकिंग के माध्यम से ही लोगों को जागृत करते हैं, और भी चीज़ें करते हैं। तो शक्ति उद्घोष हमने एक एनजीओ रजिस्टर करवाई, हम इसी नाम से काम करते थे मिशन शक्ति के नाम से, फिर हमने इसको रजिस्टर करवा लिया शक्ति उद्घोष करके। अब मेरे साथ लकीली आई एम ब्लेस्ड की 7-8 बच्चियाँ जो अच्छी बाइकिंग भी करती हैं वो बाकी कामों में भी आगे हैं। कोई भी ड्राइव करनी है, इन्वायरमेंटल क्लीन करना है कहीं पर, ठीक है, कोई प्लांटेशन की ड्राइव करनी है, सैनिटरी नैपकिन की अभी थोड़े दिन पहले हमने डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव की, और एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं गाँव में जाके, लोगों को मेडिकल कैंप्स लगवाए, उनको अवेयरनेस की गवर्नमेंट की स्कीम्स की, तो ये सारे काम में बाइकिंग एक एडिशनल हेल्प सपोर्ट मिल जाती है। कैसे, किस जो भी काम करना है वो उस थीम को प्रोपोगेट करने का माध्यम है बाइकिंग। रोड ट्रिप हमने कोई बाइक राइड ऑर्गेनाइज की, राइड डेडिकेटेड टू ड्रग अब्यूज, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर हमारी जो राइड थी उसका थीम था राइड फॉर ड्रग फ्री इंडिया, तो नशे के विरुद्ध एक राइड थी। बाइक के माध्यम से जब 10 लड़कियां एक लाइन में जा रही हैं, एक तरह की वेशभूषा आपकी, कपड़े पहने, आपने कोई अपना फ्लैग लगाया हुआ बाइक पे, तो लोगों को मैसेज कन्वे हो रहा है। सो हम दो चीज़ों पे पैरेलली काम कर रहे हैं, एक सोसाइटी में अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं बाइक के माध्यम से, तो बाकी सारी चीज़ें जो है कॉम्प्लीमेंट्री है। अब उनके पेरेंट्स, जिन बच्चियों की आपने बात की, उनके पेरेंट्स को पता है कि ये टू वे चीज़ें हैं, सिर्फ हुल्लड़बाजी नहीं है, सिर्फ बाइक चला रहे नहीं, ऐसा नहीं कि मुँह उठाया चल पड़े, मौज मस्ती नहीं है, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। एक एज ग्रुप के बच्चे हैं जो सोसाइटी में, जिनको लोग फॉलो करेंगे, मैं किसी की इंस्पिरेशन हूँ, मुझे 4 लोग अगर फॉलो करते हैं तो दे आर एक्चुअली कंसर्नड अबाउट माई अदर डोमेन्स, माई प्रोफाइल, क्या करती हैं ये दीदी, अच्छा ये दीदी सैनिटरी नैपकिन बांटने गई हैं, तो बाइक पे जा रहे हैं हम लोग सारे, हम लोग कोई थीम कन्वे, मैसेज कन्वे कर रहे हैं सोसाइटी को,
उस तरीके से लोगों को कन्विंस करने में दिक्कत कम होती है, तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी बड़े इजीली मान जाते हैं कि हाँ किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको इनकरेज करें। तो क्या जो आप मैसेज कन्वे सोसाइटी में करना चाहती हैं, चाहे वो सैनिटरी नैपकिन की बात हो, चाहे वो ड्रग फ्री इंडिया की बात हो, क्या इस तरह के मैसेजेस लोगों तक पहुंच पाना आसान रहता है, लोगों को आप समझा पाती हैं जो आपका थीम रहता है या जो आपका लक्ष्य रहता है? मुझे लगता है जहाँ तक अपना मैसेज कन्वे करने की बात है, हम बहुत ज़्यादा सफल रहते हैं, क्योंकि आम जनता जो होती है ना, आम पब्लिक जो है, जो आपको देख रही है बाइक पर जाते हुए, वो आपको एज ए बाइकर जानती है, बट आप जो एडिशनल काम कर रहे हो वो आपकी जो भी चीज़ें आपने कैरी की है ना, किसी राइड को डेडिकेट करने के लिए आपने कहीं थीम लिखा होगा, कोई आपकी बाइक पर फ्लैग लगा होगा, दैट शोज हाउ रिस्पॉन्सिबल यू आर टूवर्ड्स योर सोसाइटी, वॉट काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी कैसे कन्वे कर रहे हो, तो उन चीज़ों से मैसेज कन्वे हो जाता है। बट एक इलीट क्लास है, एक ग्रुप है जो आपको फॉलो करता है, वो वहीं तक सीमित ना रहे, उसके लिए हम एफर्ट्स करते हैं कि उसको नीचे तक प्रोपोगेट किया जाए, अनएक्सप्लोर्ड एरियाज में जाया जाए। शहरों में तो हम लोग घूमते ही, आप तो मुझे जानते हो, यहाँ पर जम्मू में लोग तो हमें जानते ही होंगे, तो उन एरियाज को टैप किया जाए जहाँ आबादी बड़ी कम, लोग हमें कम जानते हैं और हम कभी गए नहीं हैं, इसके थ्रू हम उनको मैसेज कन्वे करें, काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, दो आई एम नॉट दैट गुड ऑन सोशल मीडिया, बट कोशिश करते हैं बच्चे की अपना मैसेज उसके थ्रू कन्वे किया जाए और मतलब ग्राउंड लेवल तक लोगों तक पहुंचे कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो प्रीति, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बाइकर भी हैं, अब आपको हम राजनीति में कब देखेंगे? मैं राजनीति में काफ़ी देर से सक्रिय हूँ, अब जहाँ तक बात की जाए ओपनली कब देखेंगे? ओपनली कह पाना थोड़ा मुश्किल है मुझे लगता है, बट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड विद द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, बिल रिजर्वेशन भी पास हो गया, अब तो महिलाओं का आरक्षण भी दे दिया गया है 33%, तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में जब भी ये रिजर्वेशन लागू होगा तो बहुत सारी फीमेल फेसेस जो हैं, जो बहुत एक्टिव हैं काफ़ी देर से, तो उनको सामने आने का मौका मिलेगा। अब तक चीज़ें ऐसी थी कि रिजर्वेशन भी नहीं था और सीट्स का जो प्रोपोर्शन रहता है, जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं राजनीति में तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहता है, बहुत सारे लोग बड़ी देर से सक्रिय हैं राजनीति में, काम कर रहे हैं, महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटी कम मिल पाती थी, तो अब मैंने कहा ना जैसे नारी शक्ति अधिनियम आया है तो वंदन करके नारियों का माननीय प्रधानमंत्री जी मौका देंगे हमें भी सर्व करने का, तो आई वुड बी द फर्स्ट वन, जब ये लागू होगा मुझे लगता है मैं भी कोशिश करूंगी कि राजनीति में आया जाए और जितने भी आपके अरमान हैं या जितने भी आपके गोल्स हैं, लक्ष्य हैं, लोगों के लिए काम करने के, लोगों को सर्व करने के, वो पूरा करने का मौका अगर कोई हमें देगा तो हम भी करेंगे, नहीं भी देगा तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर हम काम कर रहे हैं समाज में। चलिए, आपको हमारी टीम की तरफ से गुड विशेस, थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ प्रीति चौधरी #JammuWomania पॉडकास्ट के सीरीज में, जिनसे हमने बातचीत करी, लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं इन्हें बाइकिंग करते हुए, और जहां इनका नाम प्रीति चौधरी है शायद ही, मैंने जैसे आपको पहले बताया, कम ही लोग होंगे जो इनको प्रीति चौधरी के नाम से जानते होंगे, ज़्यादातर लोग इन्हें प्रीति बाइकर के नाम से जानते हैं। तो इनके सफ़र के बारे में बातचीत की, जाना कि कैसे इनकी सफ़र की शुरुआत हुई और सोशल वर्कर होने के साथ साथ अब कब ये राजनीति में अपना कदम रख रही हैं उसके बारे में भी जाना। क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन अजय आडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।